हेलो गाइस, तो अमेज़न प्राइम वीडियो ने फाइनली इस हफ्ते प्रबंध कर दिया मिर्ज़ापुर सीजन 2 का। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर देखिए, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिर्ज़ापुर सीजन 2 प्लॉट लाइन, ट्रिविया एंड मे बी व्हाट विल हैपन इन सीजन 3। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो मिर्ज़ापुर सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर सीजन 1 में ख़त्म हुई थी, जब मुन्ना ने स्वीटी और बबलू को मार दिया था। सो बेसिकली सीजन 2 का प्लॉट वही है, हर कोई मिर्ज़ापुर की गद्दी हथियाना चाहता है। और अब उस लिस्ट में और भी नए नाम जुड़ गए हैं, गोलू और शरद शुक्ला जो कि रतिशंकर शुक्ला के बेटे हैं, सीजन 1 की एंडिंग में जिनको हमने देखा था। सो सीजन 2 की स्टोरी इसी पावर स्ट्रगल के बीच में धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है और हम बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स से मिलते हैं। और सीजन 1 की तरह क्रिएटर्स ने बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स को एंड तक मार दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कौन कौन मर जाता है एंड तक, बट बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स दैट यू माइट नॉट हैव एक्सपेक्टेड और यू माइट हैव एक्सपेक्टेड, दे डाई इन द एंड। जो पूरे सीजन का बिल्डअप है, जो स्टोरी लाइन क्रिएटर्स ने बिल्ड की है, वो सीरीज फिनाले में जाकर बहुत सही से उन्होंने एक एक कड़ी जोड़ी है। आई रियली लाइक द एंडिंग बिकॉज इन्होंने बहुत सारे ओपन एंड्स भी छोड़े हैं जो कि सीजन 3 की प्लॉट लाइन के लिए बहुत अच्छे हैं। सो सीजन 2 ने भी वही मैजिक कंटिन्यू किया है जो सीजन 1 ने किया था। सो बात करते हैं अब कास्ट की। सो पुरानी कास्ट वही है, अब नए कास्ट मेंबर्स की बात करें तो शरद शुक्ला जो कि जौनपुर से हैं और मिर्ज़ापुर की गद्दी लेना चाहते हैं, और एक दूसरी त्यागी फैमिली है जो कि बिहार से है, उनको बहुत प्रोमिनेंटली इस सीज़न में दिखाया गया है। त्यागी फैमिली में बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टोरी के लिए रेलेवेंट हैं। वो हैं उनकी फैमिली के हेड दद्दा त्यागी और उनके दो जुड़वा बेटे जो कि प्ले किया है विजय वर्मा ने। आई मस्ट से विजय वर्मा ने हैदराबादी होते हुए जो बिहारी एक्सेंट पकड़ा है, कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि वो बिहारी नहीं है। सीजन 2 में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगे कॉल बैक्स जो कि सीजन 1 से रेलेवेंट थे। जैसे कि एक जगह जब गुड्डू, गोलू और बीना बात कर रहे होते हैं तो वो उनको कहती हैं कि अंडे मंगवा दें क्या, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम गुड्डू कालीन भैया के घर गए थे तो उन्होंने एक थाली अंडे मंगवाए थे। एंड वन ऑफ द अदर सिग्निफिकेंट कॉल बैक्स इज इन द एंडिंग, जब गुड्डू का कैरेक्टर मुन्ना को मारने वाला होता है और मुन्ना आंखें बंद कर लेते हैं, देन ही वेट्स टिल ही ओपन्स हिज आईज बैक, जस्ट लाइक मुन्ना किल्ड हिज ब्रदर बबलू इन द फर्स्ट सीजन फिनाले। सॉरी फॉर दैट वन। जो सबसे प्रोमिनेंट कॉल बैक था वो था हमारे डांसिंग चाचा का, जिनका एक बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट रोल है इस सीजन में। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लूज एंड्स इन्होंने छोड़े हैं सीजन 3 के प्लॉट लाइन के लिए। तो सबसे पहला जो मेन प्लॉट लाइन हो सकती है सीजन 3 की, अब गुड्डू मिर्ज़ापुर के राजा बन चुके हैं लेकिन कालीन भैया अभी जिंदा है, उनको शरद शुक्ला ने एक बचा लिया था शायद से गद्दी के मुंह में। इसके अलावा दद्दा त्यागी जो अपने दोनों बेटों को खो चुके हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो गोलू से बदला लेंगे, दैट कुड बी अनदर प्लॉट लाइन फॉर सीजन 3। और इसी तरह के बहुत सारी ट्रिविया और ईस्टर एग्स हैं और जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं वो दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइज। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट वॉज रियली फैसिनेटिंग इज द गेट थ्रू विच पीपल एंटर दद्दा त्यागीज ऑफिस। दद्दा त्यागी ने गेट बहुत ही नीचा कर रखा था जो उनकी हाइट को मैच करता था। सो आई फेल्ट लाइक मे बी थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने बहुत स्ट्रगल झेला होगा अपनी हाइट को लेकर। सो उन्होंने ऐसा किया ताकि कोई भी बड़ा से बड़ा, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना आ जाए, ही हैड टू फर्स्ट बाव एंड देन कम इनसाइड हिज ऑफिस। एंड वन मोर थिंग अबाउट दैट सीन, ओनली व्हेन गुड्डू कम्स टू डील विद दद्दा वो एंटर नहीं करता है बिकॉज ही टेल्स हिम दैट इन अ बिजनेस दोनों पार्टीज को एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहिए। सो दद्दा टेल्स हिम स्टोरी ऑफ व्हाई ही डज नॉट डील इन ड्रग्स बिकॉज हिज पेरेंट्स यूज टू डू स्मैक एंड दैट्स व्हाई ही इज शॉर्ट। स्मैक वाली स्टोरी है वो मेड अप हो सकती है बिकॉज उन्होंने सोचा होगा कि ये जब मेरे सामने झुका नहीं बिजनेस करने के लिए तो मे बी आई शुड नॉट डू बिजनेस विथ हिम एंड इट माइट नॉट बी गुड फॉर मी। ऑल्सो मकबूल का कैरेक्टर जो कि कालीन भैया का राइट हैंड था, जब उनकी अम्मी को मुन्ना भैया मार देते हैं तो वो बदला लेने के लिए कालीन भैया के बाऊजी को मारने जाते हैं, वो सिर्फ एक ही सीन है जब वो बाऊजी के सामने बैठते हैं, क्योंकि उस पॉइंट से पहले ही हैड रिस्पेक्ट फॉर हिम बट उस पॉइंट पे उनके मन में बाऊजी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, सो वो उनके सामने बैठ जाते हैं। आई फेल्ट लाइक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइटर्स ने ध्यान में रखी हैं थ्रू आउट दिस सीजन एंड दैट इज़ वॉट मेक्स दिस सीजन अ वेरी एंटरटेनिंग। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड शो विद अ ग्रेट प्लॉट लाइन एंड अ ग्रेट एंडिंग। So I would recommend you to watch this if you have not watched and to rewatch it if you have already watched it. So this was my take on Mirzapur season 2. I hope you guys like it.
So if you liked the explanation, be sure to like the video and share it with fellow cinema lovers and subscribe to my channel, The Random Cineast. Also follow my page on Instagram.